हाय मित्रों नमस्कार। भाई स्पोकन इंग्लिश से मिथिलेश तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक फ्रेज छोटा सा लिए हैं, फील लाइक फेल्ट लाइक और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जिसका अर्थ होता है मन करता है, दिल करता है, जी चाहता है। आइए देखते हैं क्या है वो। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फील या फील्स, सब्जेक्ट को देखते हुए फील या फील्स, फेल्ट पास्ट में, सब्जेक्ट फील फील्स, फील जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, फील्स जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, और फेल्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, और सभी के साथ लगा रहेगा लाइक। तो फील लाइक, फील्स लाइक, फेल्ट लाइक। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, बी फोर्थ वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, कोई भी स्थिति बन सकती है। अर्थ फील लाइक, फील्स लाइक या फेल्ट लाइक, यहाँ पर प्रेजेंट में जब होगा, मन करता है या जी चाहता है या मन करता है, दिल करता है, इच्छा हो रही है, आप दिल कर रहा है, इच्छा हो रही है, मन कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो, दिल करता है, इच्छा हो रही है, मन कर रहा है। और पास्ट में जब फेल्ट लाइक करोगे तो मन किया या मन हुआ पास्ट में हो जाएगा। तो फील लाइक, फील्स लाइक और फेल्ट लाइक, मन करता है, जी चाहता है, मन करता है, मन कर रहा है, दिल कर रहा है, दिल चाह रहा है, इच्छा हो रही है, या पास्ट में मन किया मन हुआ। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे यूज करेंगे। सेंटेंस है आई फील लाइक हगिंग यू, भर में आईएनजी है, आई सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ फील हुआ है, तो आई वी यू डे के साथ आप फील करेंगे, लेकिन यहाँ स्पेशली आई है, तो आई फील लाइक हगिंग यू। अगर इसको हमको कहना हो आई वांट टू हग यू, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, चाहे आप कहो आई फील लाइक हगिंग यू, चाहे आप कहो आई वांट टू हग यू, अर्थात मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ, या मेरा मन कर रहा है आपसे गले मिल लूँ, गले मिलने का मेरा जी चाहता है, मन हो रहा है कि आपको गले लगा लूँ, आपको गले लगा लूँ। तो यहाँ पर हग है और हगिंग, और यू यहाँ का ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई फील लाइक ईटिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई फील लाइक ईटिंग, खाने का मन हो रहा है, जी चाह रहा है कुछ खाऊं, खाने का मन करता है, जी चाहता है खाऊं, तो आई फील लाइक ईटिंग इक्वल है आई वांट टू ईट, चाहे हम कहें आई वांट टू ईट, अर्थात मन करता है खाऊं, या कुछ खाने का मन करता है मैं खाना चाहता हूं, या आई फील लाइक ईटिंग, दोनों है। यहां पर जीरेंडियल अगर देखें तो आईएनजी हो रहा है, बर में आईएनजी, और यहां पर टू जो है इन्फिनिटिव के रूप में है, लेकिन विशेषता है ये लाइक के बाद हम टू नहीं करते हैं, लाइक के बाद हम इन्फिनिटिव के रूप में टू नहीं करते हैं, इसीलिए फील लाइक बर में आईएनजी है, और यहां पर टू जो है वो इन्फिनिटिव के रूप में है, वी वन है, तो वी वन जो है टू के पहले भी वन होता है इन्फिनिटिव में, ना ने नी दोनों अर्थ देता है। तो आई फील लाइक ईटिंग और इसका इक्वल इजकल टू आई वांट टू ईट, आई फील लाइक टीचिंग और इजकल टू आई वांट टू टीच, दोनों आप कह सकते हो, आई फील लाइक टीचिंग, मन कर रहा है पढ़ाऊं, पढ़ाने का मन कर रहा है, या जी चाहता है पढ़ाऊं, दोनों कह सकते हो, या आई वांट टू टीच, मैं चाहता हूं कि पढ़ाऊं, पढ़ाने का मन कर रहा है, दोनों एक ही चीज है, आप चाहे जैसे बोलो। आई फील लाइक डांसिंग, मन कर रहा है कि नाच लूं, नाचने का मन करता है, जी चाहता है, मन हो रहा है, जी चाह रहा है कि नाचूं, या आई वांट टू डांस। तो एक चीज आपको देखने की मिल रही है, यहाँ हगिंग हुआ आपका वर्ब में आएंगी, यहाँ ईटिंग वर्ब में आएंगी हुआ, यहाँ टीचिंग वर्ब में आएंगी हुआ, और यहाँ डांसिंग वर्ब में आएंगी हुआ, लेकिन इधर आप देखें आई वांट टू हग, आई वांट टू ईट, आई वांट टू टीच, आई वांट टू डांस, यहाँ इन्फिनिटिव है और यहाँ जीरेंड पार्ट है, तो जीरेंडियर में आईएनजी होता है, ना ने नी देता है, और इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो दोनों आप कह सकते हो। आई फील लाइक बीटिंग द बॉस, तो आई फील लाइक बीटिंग द बॉस, या आई वांट टू बीट द बॉस, आप ऐसे कह सकते हैं, आई वांट टू बीट द
बॉस, टू बीट द बॉस। तो टू बीट जो है यहाँ का इन्फिनिटिव होगा, यहाँ का जो बीटिंग है वो जीरेंड है। तो आप इतना देखो, मौसम खराब है, जैसे आप कहीं जाना चाह रहे हो और जाने का मन नहीं है, बॉस आपको बुला रहा, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई फील लाइक बीटिंग द बॉस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई फील लाइक बीटिंग द बॉस, तो आई वॉन्ट टू बीट द बॉस, दोनों एक ही चीज, मन कर रहा है तो बीट दू बॉस को, मौसम खराब है बुला रहा, तो आई फील लाइक बीटिंग द बॉस। आई फील लाइक मीटिंग यू, बहुत प्यारा शब्द है, आई फील लाइक मीटिंग यू, मीट मिलने का मन कर रहा है आपसे, मेरा मन कर रहा है आपसे मिलूँ, मेरा मन आपसे मिलने को हो रहा है, कर रहा है, जी चाह रहा है कि आपसे मिल लूँ। तो यू यहाँ का ऑब्जेक्ट है और मीटिंग यहाँ का जीरेंड है, तो मीटिंग आईएनजी है। सी इन यू, मन कर रहा है, मन कर रहा है देख लूँ, जी भर के देख लूँ। सीइंग, सीइंग, तो सीइंग यहाँ पर देखना मिलना दोनों अर्थ है। तो आई फील लाइक सीइंग यू, आपको देखने का जी चाह रहा है, मन कर रहा है, मन हो रहा है, जी चाह रहा है, दिल करता है कि देखूँ, यहाँ पर मिलूँ, यहाँ पर है देखूँ। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आपसे बातें करने का मन कर रहा, मन हो रहा है, मन कर रहा है, मन कर रहा है कि आपसे बात करूँ। तो आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, अर्थात आपसे बात करने का मेरा जी चाहता है, मन करता है। अब यहाँ पर जो है यही चीज आप कर सकते हो, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, दोनों स्थिति आप बना सकते हो, चाहे आई फील लाइक मीटिंग कर लो, चाहे आई फील लाइक सीइंग कर लो, चाहे आई फील लाइक टॉकिंग कर लो, उसको अगर इक्वल करना है तो आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तीनों स्थिति आपकी एक जैसी होती है। अगला देखते हैं, पास्ट में लिया है, आई फेल्ट लाइक एम्ब्रेसिंग यू, मन हुआ आपको गले लगा ले, गले लगाना यहाँ पर हक था, यहाँ पर एम्ब्रेसिंग गले लगाना दोनों भावों से, अर्थात भेटना जिसको बोलते हैं हमारे पूर्वांचल में, एम्ब्रेस करना, गले लगा लेना, भेंट लेना, अकवार दे देना। तो आई फेल्ट लाइक एम्ब्रेसिंग यू, मन कर रहा आपको गले लगा लूँ। आई फेल्ट लाइक किसिंग योर हैंड, किसिंग योर हैंड, कोई बैठा है बहुत अच्छा लग रहा है और आप उसका हाथ चूमना चाहते हो, तो मन कर रहा है आपका हाथ चूम लूँ, जी चाह रहा है आपका हाथ चूम लूँ, ऐसे मन हो रहा है आपका हाथ मैं चूम लूँ, चूमूँ, तो किसिंग योर हैंड, आपके हाथ को चूमूँ। तो आई वॉन्ट टू किस योर हैंड, ऐसा भी कह सकते हो, आई वॉन्ट टू किस योर हैंड, किस किस को करना है, योर हैंड, आपके हाथ को। आई वॉन्ट टू सी यू, आपसे मिलना। आई वॉन्ट टू मीट यू, ऐसा भी इक्वल में आप कर सकते हो। तो आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग यू, मान लो कोई गुस्से में है और उसको गुस्से में आप हो और किसी को आप थप्पड़ मारना चाहते हो, तो आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग यू, स्लैपिंग हिम, मन किया तो उसको एक थप्पड़ जड़ दूँ, लगा दूँ एक चाटा उसको। तो स्लैप है, स्लैपिंग डबल पी आई एन जी है, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग यू, स्लैपिंग हिम, तो मन किया उसे एक थप्पड़ जड़ दूँ, तुम्हें एक थप्पड़ जड़ दूँ, लगा दूँ एक तमाचा। तो आप पास्ट में फेल्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप नेगेटिव में अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आई डोंट फील लाइक, आई डोंट फील लाइक, अर्थात मन नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा, जी नहीं चाह रहा, जी नहीं हो रहा, जी में नहीं आ रहा है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे, आज मौसम देख रहे हो कैसा, मौसम को देखते हुए आज तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा अगर बोलना चाहे आज तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो ये जो टूडे है आप आगे भी कर सकते हो, आई डोंट लाइक डूइंग एनीथिंग टूडे, आज तो कुछ करने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता है, मन नहीं हो रहा है, जी नहीं चाह रहा है, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई फील लाइक ईटिंग पोटैटो समोसा टूडे, पोटैटो समोसा टूडे, आज तो मन कर रहा है कि आलू समोसे मिल जाए, आलू के समोसे मिल जाए और बढ़िया जी भर के खाएं। आई फील लाइक ईटिंग पोटैटोज, पोटैटो समोसा टूडे, आप टूडे इधर भी कर सकते हो, मन कर रहा है कि टिक्की पोटैटोज, आई फील लाइक ईटिंग टिक्की पोटैटोज, टिक्की पोटैटोज का खाऊं, अर्थात ऐसी टिक्की जो आलू की बनी हो, ऐसी टिक्की आलू खाने का आज मन हो रहा है मौसम को देखते हुए। तो आप बोल सकते हो आई फील लाइक ईटिंग टिक्की पोटैटोज टूडे, टिक्की पोटैटोज टूडे, आई फील लाइक ईटिंग पोटैटो समोसा टूडे, अर्थात पोटैटो समोसा खाने का, आलू समोसा खाने का मन कर रहा है, भरा हुआ समोसा है, आलू भरा हुआ समोसा, टिक्की पोटैटोज खाने का आज बहुत मन कर रहा है। टूडे आप ऐसे बोल सकते हो, टूडे आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्पाइसी, टूडे आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्पाइसी, आज तो कुछ तीखा तीखा खाने का मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है कुछ तीखा मिल जाए, तीखा स्पाइसी है, स्पाइसी मीन्स मसालेदार,
लेकिन यहाँ स्पाइसी मसालेदार से अर्थ लिया है तीखा कुछ खाने का मन करता है, मन हो रहा है, जी चाहता है कि आज कुछ तीखा तीखा खाने को मिल जाए। तो टुडे आई वांट टू ईट समथिंग स्पाइसी, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आई फील लाइक से भी बोल सकते हो, तो जैसे मन करे ऐसे बोलिए, टुडे आई वांट टू ईट समथिंग कुछ स्पाइसी, थोड़ा सा तीखा खाने का मन कर रहा है। टुडे आई फील लाइक ईटिंग हॉट, टुडे आई फील लाइक ईटिंग हॉट डंपिंग्स, हॉट गरम गरम पकौड़ियाँ, डंपिंग्स जिसको बोलते हैं गरम गरम पकौड़ियाँ, मौसम को देखते हुए गरम गरम पकौड़ियाँ आज खाने को मन कर रहा है, विद द हॉट टी, गरम गरम चाय हो, गरम गरम पकौड़े हो और खाने का मन कर रहा है। तो टुडे आई फील लाइक ईटिंग हॉट डंपिंग्स, हॉट डंपिंग्स विद हॉट टी, विद हॉट टी गरम गरम। आपको मैंने बताया है रेदर टी, आप जाके देख लीजिएगा। तो टुडे आई फील लाइक ईटिंग हॉट डंपिंग्स, जिसको पकौड़िया बोलते हैं, जिसको मालपुआ बोलते हैं, जिसको गुलगुला बोलते हैं। तो डंपिंग्स गुलगुला, नमकीन वाला डंपिंग्स गुलगुला, मालपुआ पकौड़ियाँ पकौड़े, ठीक है, पकौड़ियाँ खाने का आज तो बहुत मन कर रहा है, किसके साथ, गरम गरम चाय के साथ। आज तो टुडे, टुडे आज तो, टुडे आई वांट टू कीप ऑन स्लीपिंग, अब देखिए कीप ऑन या कीप, कीप ऑन, आज तो केवल सोने का मन कर रहा है, बिस्तर से ना निकलूं, आप बोल सकते हो टुडे आई वांट टू कीप ऑन स्लीपिंग, आज मन कर रहा है सोता ही रहूं, मन कर रहा है सोता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं, लिखता ही रहूं, देखता ही रहूं, सोचता ही रहूं। तो जो आप आई एन जी यहाँ पर करना है कर लीजिएगा, टुडे आई वांट टू कीप ऑन स्लीपिंग, आज मन कर रहा है सोता ही रहूं ना उठूं, अर्थात बिस्तर में ही रहूं मौसम को देखते हुए। टुडे आई वांट टू कीप लुकिंग एट यू, टुडे आई वांट टू कीप लुकिंग एट यू, बहुत प्यारा शब्द है, लुकिंग एट यू, लुकिंग एट यू, टुडे आई वांट टू कीप ऑन स्लीपिंग, टुडे आई वांट टू कीप लुकिंग एट यू, मन कर रहा तुमको देखता ही रहूं, मन कर रहा है आपको देखता ही रहूं। ध्यान दीजिएगा एट लगा हुआ है, एट यू है, जब आप एट करते हैं तो उसका अर्थ है लुक एट, किसी चीज को देख रहे हो, किसी वस्तु को देख रहे हो, किसी व्यक्ति को देख रहे हो, तो वहां पर होता है देखना, लेकिन लुक मीन्स होता है दिखना। जैसे अगर मैं कहूँ मैं कैसे दिख रहा हूँ यहाँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, तो लुक का प्रयोग होगा, बात की बात है आगे बताएंगे। तो आई टूडे आई वॉन्ट टू कीप लुकिंग एट यू, मन कर रहा है आपको देखता ही रहूं, कुछ मत करूं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, केवल देखने का मन कर रहा है। टूडे आई डोंट वॉन्ट टू टीच, अब तो पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, आज पढ़ाने का मन नहीं है, मन नहीं हो रहा है, ऐसी बोल सकते हो आप, मन नहीं होता है, मन नहीं कर रहा है, जी नहीं चाह रहा, जी नहीं होता है, ठीक है। तो टुडे आई वांट डोंट वांट टू टीच, आज तो पढ़ाने का मन ही नहीं है, ठीक है। टुडे आई डोंट फील लाइक टीचिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आज तो पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है। तो बहुत बढ़िया फ्रेज था, फील लाइक का, फेल्ट लाइक का, फील्स लाइक का, सब्जेक्ट को देखते हुए आप बदल लीजिएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा फील, फील फील, और फ्रेज हमने लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।